हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज एन सी आर टी से कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर फोर है तीन लेक्चर्स ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं एंड बेसिकली वी आर डूइंग द एम सी क्यूज एम सी क्यू तो एक बहाना है सीधी सी बात मैं आपको बताऊँ मेनली तो मैं आपके साथ थ्योरी डिस्कस करना चाहता हूँ बट थ्योरी अलॉट बोरिंग हो जाएगी कंप्यूटर्स के अंदर डिस्कस करना इसीलिए एम सी क्यू फॉर्म के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर ओके लेक्चर नंबर फोर है एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर गाइस आप पी फाइल्स के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं सिर्फ नाइनटी नाइन रुपीज आपको पे करने होते हैं एंड अगर आप एम सी कॉम्बो कोर्स ले रहे हैं जिसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसीक्यूज मिलते हैं और साथ के साथ अब इंश्योरेंस और ऑडिट के भी कुछ क्वेश्चन इसके अंदर मैं डालूंगा ठीक है दो फाइव हंड्रेड प्लस नहीं बट इंश्योरेंस और ऑडिट के भी अराउंड हंड्रेड हंड्रेड क्वेश्चन मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं जितने बन पाए उतने डाल दूं ताकि अल्टीमेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये इंश्योरेंस और ऑडिट के जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ठीक है तो वो हम आ, वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे और साथ के साथ पी के लिए भी फिर आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है पी भी आपको एम सी कोर्स में मिलती है कोड आपको यूज़ करना है यू पी एस सी ऑफ़ के लिए ऑफ़ के बाद अराउंड थ्री हंड्रेड का ये कोर्स पड़ता है आपको जो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है अगले एक महीने में आपके लिए ठीक है क्विकली स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल लैंग्वेज इनमें से क्या हाई लेवल लैंग्वेज का है ऑप्शन ए सी प्लस यहाँ पर होना है आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ तीनों एग्जाम्पल जो हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज के हैं देखो जो भी आपका कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग होती है तो प्रोग्रामिंग की भी एक लैंग्वेज होती है तो ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर लैंग्वेज वो दोनों अलग अलग हैं हम तो जैसे अब बात कर रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में हमारी ये भाषा है कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है जीरो और वन की फॉर्म में हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना अपने लिए उस वे में प्रोग्रामिंग कर पाना तो इसीलिए डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज को डेवलप किया जाता है अब दो मेजर कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज जैसी ही होती हैं ठीक है जैसी मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज होती है वैसी होती है तो मशीन लैंग्वेज में आप वन एंड जीरोज़ को यूज़ करके इंस्ट्रक्शन लिखोगे जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेगा क्योंकि उसी की भाषा है एंड अल्टीमेटली वो इजीली हो जाएगा बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसमें कोड लिखना एक ह्यूमन के लिए क्योंकि ऑपरेशन आपको फिर याद रखना पड़ेगा जीरो वन 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 जीरो 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 इस तरीके से नंबर याद रखने पड़ेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा तो ये होती है आपकी मशीन लैंग्वेज जिसमें आप एंड में ही लिख रहे हो ठीक है और साथ ही साथ इस लैंग्वेज की दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इस लैंग्वेज के अंदर एरर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मशीन लैंग्वेज के अंदर और इसी वजह से इस पूरे कोड राइटिंग प्रोसेस को ईजी करने के लिए हमने एक नई टेप लेवल ऑफ लैंग्वेज डेवलप किया जिसके अंदर हम जैसे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना उस फॉर्म में हम कोडिंग करते हैं ठीक है और उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है हाई लेवल लैंग्वेज बट हाई लेवल लैंग्वेज का एक मेजर ड्रॉबैक क्या है कि आप जो ये लैंग्वेज लिख रहे हो ठीक है वो कंप्यूटर स्पेसिफिक होती है तो अगर एक टाइप ऑफ सीपीयू के लिए आपने कोड लिखा है तो वो दूसरे सीपीयू के अंदर आप यूज नहीं कर पाओगे ठीक okay. है ओके हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू राइट है बट ये डायरेक्टली कंप्यूटर नहीं समझेगा क्योंकि ये तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हो ना अपनी भाषा के अंदर लिख रहे हो तो आप अपनी भाषा में लिखोगे उसके बाद एक ट्रांसलेटर का आप इस्तेमाल करोगे जो अल्टीमेटली इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा और आपके हाई लेवल लैंग्वेज के हैं जावा पाइथन एग्जाम्पल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कोल्ड कॉल्ड जब आप असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोग्राम कोड लिखते हो तो उसको क्या बोलते हैं सोर्स कोड कवर कोड प्रोग्राम कोड या नन ऑफ दी अबव सो so, जब आप प्रोग्राम लिखते हो ना हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस का इस्तेमाल करके तो जो वो पूरे का पूरा आपने कोड लिखा है या जो पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखा है उसको हम क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं सोर्स कोड उसको क्या बोला जाता है सोर्स कोड बोला जाता है तो ऑप्शन ए यहां पर जो है वो करेक्ट आंसर होगा ठीक है ओके अब मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है और हाई लेवल लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज क्या है वो एक तरीके की इंग्लिश लैंग्वेज है तो ट्रांसलेटर चाहिए अपने को जो अल्टीमेटली इस असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज या कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में अब ये जो प्रोग्राम कोड है जो लिखा है हमने हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर फॉर एग्जाम्पल उस पूरे लिखे हुए कोड को हम बोलते हैं सोर्स कोड और इस सोर्स कोड को फिर ट्रांसलेटर कन्वर्ट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में जिसको आप बोल सकते हो मशीन कोड ठीक है

नेक्स्ट अब प्रोग्राम जो डेवलपमेंट है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक तो टेक्स्ट एडिटर होता है बिल्डिंग टूल्स होते हैं और डीबर होते हैं ठीक है बेसिकली क्या है आप जो कोड है वो कहीं ना कहीं पर लिख रहे हो ठीक है उस टेक्स्ट लिख रहे हो कोड कोड टेक्स्ट की फॉर्म में सी प्लस प्लस इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए आपको ठीक है उसको बिल्ड करने के लिए बेसिक टूल्स चाहिए डी बगर चाहिए जो एरर्स फाइंड करेगा आपके जो आपने लिखा है कोड उसके अंदर एरर्स फाइंड करने के लिए तो उसके लिए ये तीनों काम करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होते हैं और उन सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट बोलते हैं तो इनमें से क्या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है ठीक है जैसे अपने पास अलग अलग पीडीएफ पढ़ने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं ना वैसे आईडीई के भी अलग अलग कंपनीज के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं तो इनमें से कौन सा है ऑप्शन ए नेटमीन्स एक्लिप्स एटम ऑल ऑफ ये सारे द्वेश्चन स्ट्रिक्टी एनसीआरटी में से हैं कहीं से बाहर से नहीं है सिर्फ और सिर्फ एनसीआरटी को टच कर रहा हूं मैं और कोई मैं कुछ नहीं कर रहा है आप एनसीआरटी खोलो चैप्टर नंबर वन है प्लस वन की आ, बुक का भी हमारा चल रहा है

तो ये सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए सॉफ्टवेयर्स डेवलप्ड हैं जिनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बोलते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी है बिल्डिंग टूल भी है डी भी है ठीक है इसके अंदर आप टाइप भी करोगे फिर कंपाइल भी कर सकते हो उसकी डी भी कर सकते हो इसमें पाइथन आइडल नेटबीन्स एक्लिप्स एटम लेजरस ये एग्जाम्पल्स हैं आई के ठीक है डी मैंने आपको बताया एरर्स को करेक्ट करने के लिए होता है

उनके जो डेवलपर्स होते हैं जो उनका सोर्स कोड है जो बेसिकली उन्होंने कोड लिखा सॉफ्टवेयर के लिए वो उस सोर्स कोड को भी और उस सॉफ्टवेयर को भी पब्लिक डोमेन में फ्री में डाल देते हैं ठीक है सोर्स कोड को भी सिर्फ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर नहीं जो उनका पूरे का पूरा कोड है उसको भी वो फ्री में डाल देंगे और बाकी के जो लोग हैं पब्लिक डोमेन में अब उस सोर्स कोड के अंदर वो भी काम कर सकते हैं बेसिकली इसीलिए किया जाता है ताकि उस सोर्स कोड को फर्दर इंप्रूव किया जा सके बाकी लोगों की हेल्प से और ऐसे सॉफ्टवेयर जो जिनका सोर्स कोड भी और जो सॉफ्टवेयर भी फ्रीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है जिनके लिए कोई कॉस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है उनको क्या बोला जाता है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एफ ओ एस एस ठीक है अब जैसे आपका उबंतु एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज है ना वैसे ही उबुंतु करके है, वो फ्रीली एक्सेसिबल है आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हो ना आपको उसको कोई पैसा देना ना कुछ और उसके सोर्स कोड को भी आप एक्सेस कर सकते हो पाइथन लाइब्रो ऑफिस ओपन ऑफिस मोजिला फायरफॉक्स ये सब क्या है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के हैं नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन ए स्काइप इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री वेयर फ्री वेयर क्या होता है इन फ्री वेयर सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर फ्री फ्री वेयर में भी सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल है

राइट सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन देखेंगे एंड दिस इज स्ट्रिक्टली यू नो फ्रॉम एन सी आर टी ये बात ध्यान में रखनी है अगर आप खुद भी इसको पढ़ना चाहो एन सी आर टी की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं ओके okay? सो so, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में बट स्टिल कोई भी डाउट हो आप कमेंट करो या व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एम सी यू कॉम्बो कोर्स को जरूर एक्सप्लोर करना है साथ ही साथ लिंक में डिस्क्रिप्शन में मॉक टेस्ट भी डले हुए हैं दो यू पी एस सी पी एफ वे उनको भी जरूर अटेम्प्ट करें ओके चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय